हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में हेडर का मार्जिन कैसे चेंज करते हैं, यानी कि अगर हमें कम या ज्यादा करना हो तो हम कैसे करेंगे। गूगल डॉक्स पर इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हेडर ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको जाना है यहाँ ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ देखिए, ये है हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। जब कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, हेडर एंड फुटर। कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हम हेडर की बात कर रहे हैं तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे। तो हेडर पे क्लिक करते ही देखिए हेडर यहाँ पर ओपन हो गया। अब मान लीजिए कि ये मार्जिन जहाँ पर कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक का मार्जिन आपको बढ़ाना है, तो इसके लिए राइट साइड में आपको यहाँ क्लिक करना है ऑप्शन पे। तो इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए हेडर फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप हेडर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मार्जिन का ऑप्शन आ गया। अगर आप फुटर का बढ़ाना चाहते हैं तो फुटर का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, और हेडर को बढ़ाना चाहते हैं तो हेडर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 1.27 फिलहाल दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि इसको हम 5 कर देते हैं, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देख लीजिए सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करते ही आप देखिएगा कि मार्जिन बढ़ जाएगा, ये देखिए, ठीक है।